श्रीकाल गेम शो मौजा मचो या जूता मचो। तो आपको वो बताना आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक मिनट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जैसे कि पहाड़ी लोग सारे जानते होंगे कि हरेला जिसे हम हरियाव कहते हैं वो त्यौहार आने वाला है। कुछ लोग 10वें दिन काटते हैं, कुछ लोग 9वें दिन काटते हैं। तो हमारे उसमें हम 10वें दिन काटते हैं और अगर वो डेट निकाली 9वें दिन काटते हैं हम लोग, अगर वो डेट निकाली जाए तो हमको कल हरियाव बोना पड़ेगा और अगर आपका 10वां दिन है तो आपको आज हरियाव बोना पड़ेगा। तो हम कल बोएंगे, उसके लिए 5 अनाज चाहिए होते हैं, 5 अनाज लेके आएंगे, बोएंगे, उसे अंधेरे में रखना होता है, फिर वो धीरे 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 लंबी लंबी ग्रास जैसी हो जाती है, फिर उसको काटा जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी है गांव की कि जब वो अपने गांव में फसल काटनी होती है तो उसके लिए इन्होंने पहले बोना होता है। तो काइंड ऑफ ए फसल जो हम उगाते हैं अंधेरे में रख के तसले में, उसको हम फिर काटते हैं 9वें दिन। तो ये हरियाव से रिलेटेड एक थोड़ा सा इतिहास है हम पहाड़ी लोगों का। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने के लिए है कि जैसे कि सुबह सुबह न्यूज़ में सुना, बड़ा दुख लगा कि दिलीप कुमार साहब हमारे बड़े अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये न्यूज़ एक झटके वाली न्यूज़ थी सबके लिए। 98 ईयर्स के हो गए थे, सेंचुरी पूरी कर लेते तो मज़ा आया था, बट ठीक है नहीं हो पाया सर्वाइव और छोड़ के चले गए हमें। और बाकी आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि मेरा बर्थडे कब है, क्योंकि रोज़ मैं बताता हूँ, रोज़ दीपू कहती है क्यों सबको बर्थडे बता रहे हो, तो आज मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप पिछले व्लॉग्स देख चुके हैं तो आपको पता है मेरा बर्थडे कब है, अगर नहीं देखे तो उनको जाके देखो, उसमें डेट मेंशन है, मैं नहीं बताऊँगा आपको। सो कीप इन्जॉयिंग व्लॉग्स और विल ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मिलते हैं बाकी की एक्टिविटीज़ में। आपको कुछ कहना है क्या, बोलो बाय। अभी हाय होती है, रात को बाय होती है। ठीक है, चलो मिलते हैं फ्रेंड्स। हाथ का दलिया, ये तो दलिया का दलिया है। चम्मच से क्यों खिला रहे हो, फिर हाथ से खिलाओ ना। हाथ से खिलाओ भाई, खाना चाहिए, बोलो हेल्दी होता ही। हेल्दी होता है। गिरेगा 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 गप्पू। भैया को भी खिला दो ऐसी। क्यों क्यों, वो दुश्मन है क्या किसका? भैया को भी खिलाती हूँ, उसको भी खिला देती हूँ, पढ़ रहा है वो तो पढ़े, मैं खिला देता हूँ ना। हाँ खिला दो भैया को, यहाँ से गिरना नहीं नीचे बिल्कुल। हम जा रहे हैं मम्मा का सामान लेने, घर का आटा चावल, हरेला के लिए 5 अनाज लेने। हाँ हरेला उगाना है आज। फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक दुकान पे आ गए हैं जहाँ से हमें 5 अनाज चाहिए। दीपू ने वो ले लिए हैं, कल आपको दिखाया जाएगा कि कैसे उनको बोया जाता है और बाकी की फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी की जाती हैं। सो गाइस फाइनली पार्क में आ चुके हैं, पार्क में अंदर घुस गए हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ गर्मी में स्कूटर के पास और दीपू बच्चों को लेके अंदर आ चुकी है। अल्टीमेटली द पर्पज़ इज़ कि थोड़ा सा मिट्टी इकट्ठी कर ली जाए क्योंकि उस मिट्टी में हमें 5 अनाज बोने हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऊपर से ये पेड़ों की छाया जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। लोग कम ही दिख रहे हैं पार्क में, बट थोड़े से दूर दूर हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है और दीपू को मौका मिल गया फाइनली, वो जगह ढूंढ रही है जहाँ से मिट्टी खोद पाए और ये मिल गई उसको जगह। अब वो सोच रही है इसमें से थोड़ी सी मिट्टी खोदी जाए, अपने साथ में एक औजार लाई हुई है
जिससे वो मिट्टी इकट्ठी करती जाएगी, और थैला भी लाइए साथ में, थैले में डालती जाएगी, क्योंकि इस मिट्टी में हम वो 5 अनाज बोएंगे हरेला फेस्टिवल के लिए। अभी दीपू को शायद यहाँ पे कुछ केंचुआ दिख गया है, भगवान जाने क्या दिख गया है, और बार बार वो चिल्ला रही है, अरे देखो देखो केंचुआ है, अरे गप्पू देख इसकी मिट्टी के बीच में केंचुआ है। गप्पू भी पास आके कैमरे से रील बनाते हुए देख रहा है, अरे कहाँ है केंचुआ, घर में केंचुए ले जाने हैं या मिट्टी ले जानी है, केंचुओं का पेड़ लगाना है या ये अपना हरेला का पौधा उगाना है इसमें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर जाके देखा जाएगा इस मिट्टी में क्या निकलता है, केंचुआ निकलता है या उसे छान के मिट्टी वगैरह फिल्टर आउट की जाएगी, तो वो सब चीज़ें घर में देखी जाएंगी। अभी तो भैया लोग देख रहे हैं, फटाफट फटाफट मिट्टी उठाओ, अदरवाइज लोग आके पूछेंगे मिट्टी चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो, तो मिट्टी उठाओ, बाहर डैड खड़े हैं भाई, उनकी फिक्र भी कर लो, जल्दी जल्दी आओ थैला लेके। हाँ बाहर आ गई है दीपू, इधर उधर नजर मार रही है, क्या पता कुछ खाने की चीजें मिल जाए। अब डिमांड कर दी है सीनू ने, मम्मा मुझे तो मैंगो चाहिए, मैंगो घर में खत्म होने वाले हैं, ये मैंगो खाऊंगी मैंगो खाऊंगी मैंगो खाऊंगी। तो अब मम्मा ढूंढ रही है मैंगो, आसपास कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए, जैसी पार्क से बाहर निकलेगी मैंगो जरूर खाएगी। और सीनू को ये बोल दिया गया है कि तुझे मैंगो जरूर खिलाएंगे, चल बेटा फटाफट। तो बाहर देखिए अब मिल गई है रेडी मम्मा को मैंगो की, अब जा रही है और मैंगो लेके ही आएगी और सीनू को खुश करेगी। तो बाहर आ गया सीनू, फाइनली चढ़ गई है, सीनू को बोल रहा हूँ बैठ जा बैठ जा, सीनू बैठने रही है, बोल रही भेल जल जाएंगे मेरे, इतनी गर्म सीट हो रही है और अब खड़े खड़े कैसे ले जाऊँ सीनू तुझे, इधर उधर कहाँ देख रही है, मम्मा ला रही है मैंगो भाई ला रही है, बैठ जा आराम से। अभी गप्पू कहाँ गया यार, मैंगो खरीदने चले गया क्या मम्मा के साथ, देखो 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 कहाँ है भाई, ठंडी कर रखी सीट, बैठो। डंडा लेके खड़ी है गप्पू सीनू गेट पे, आ जा, नहीं मारेगी नहीं मारेगी सीनू, मारेगी गंदी बात, गंदी बात, बहुत गंदी बात है, मैं मारूंगा आपको डंडे से। हेलो कोरोना, हेलो कोरोना को धो ना, धो के निचोड़ के सुखा दो कोरोना को, चप्पल से मारो कोरोना को, चप्पल से उंगली पकड़ो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, ये क्या हो रहा है, ऐसे कौन घूमता है, थुलन थुलन थुलन, आप थुलन हो, थुलन थुलन गंदी शक्ल की ऐसी दुल्हन होती पकड़ा, है पकड़ा। अच्छा यार ले, ऐसी दुल्हन चड्डी में घूमती है ये अच्छी दुल्हन नहीं है, चड्डी में घूम रही है भैया, ये छोटी दुल्हन है, इस दुल्हन को कोई नहीं ले जाएगा, ये दुल्हन चड्डी में घूम रही है बस। सो एंड की कगार पे पहुंच गए हैं हम, और आई थिंक ये लेट हो गया है काफी, आज कारीगर बहुत लेट तक काम कर रहे थे, और ऑलमोस्ट अभी 9:15 गए हैं, और इस टाइम वक्त हो रहा है हमारी घड़ी में ऑलमोस्ट 10:30, और
अब इसके बाद अब बैठेंगे व्लॉग की एडिटिंग करेंगे। थकान बहुत हो जाती है, पूरे दिन ऑफिस का काम करना होता है, उसके बाद ये सब कुछ करना होता है। लेकिन आपने देखा होगा आज गप्पू सीनू क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, पूरे दिन की आपको एक्टिविटीज़ दिखाई गई होंगी। और जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ियों का जो त्यौहार होता है हरेला, हरियाव बोलते हैं जिसको, उसके लिए पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। 5 अनाज ले आई है दीपू, वो अंधेरे में रख के कुछ मिट्टी में बोया जाता है, तो मिट्टी भी इकट्ठी कर ली है आज पार्क जाके हमने ले आए थे। और अब जब 9वें दिन काटना होता है इसके लिए हम उसे कल बोएंगे, तो कल आपको दिखाएंगे क्या ट्रेडिशन होता है और कैसे वो बोई जाती है मिट्टी, मिट्टी में कैसे हरेला 5 अनाज के थ्रू बोया जाता है, और फिर उसको 9 दिन बाद काटेंगे। और तब तक के लिए वो एक अंधेरे जगह पे हमको रखना होता है, तो वहाँ धीरे 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 वो ग्रास उसकी धीरे धीरे निकलती हैं और फिर 9वें दिन उसको हम काटते हैं एज ए पहाड़ी ट्रेडिशन हरियाव। और रिगार्डिंग किचन अपडेट्स मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ किचन में, क्योंकि आज भी इतना सारा गंद फैला के गए हैं, वो बहुत सारा कूड़ा हो गया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मिल जाएगा किचन, लेकिन आज नहीं मिला है और बहुत देर तक लगे रहे हैं वो कारीगर, रात के 9:15 तक उन्होंने काम किया है, कुछ देर पहले गए जैसे मैंने आपको बताया। तो कल रजत भाई ने बोला है कि हर हालत में मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो कल रजत भाई की गर्दन दबानी पड़ेगी हमें किसी भी कीमत पर, तो कल तो मिलना ही मिलना है किचन। तो मॉर्निंग में वो आएंगे, कारीगर कारपेंटर्स का 2-3 घंटे का काम रह गया, बाकी थोड़ा सा शीशा वगैरह फिट करना और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो रह गई हैं, फिनिशिंग वगैरह एंड ऑल, स्कार्टिंग वगैरह नीचे की, तो ये थोड़ा सा है। और हमने एक क्लीनर को भी बुक कर दिया है, क्लीनर लेके आएंगे रजत भाई, वो टाइल्स वगैरह ये नीचे की सब चमका देंगे बिल्कुल नई जैसी, और फिर वो हैंड ओवर हमको कल किचन हर हालत में एंड ऑफ द डे कर देंगे एज पर हिज कमिटमेंट, बट आई डोंट नो कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या पता थोड़ा ऊपर नीचे रह जाए, बट जल्दी नहीं है कोई नहीं, एक दिन फालतू लग जाए, लेकिन किचन एकदम टनाटन मिलना चाहिए गाइस, ताकि आपका देख के मन खुश हो जाए। तो इसी के साथ आई थिंक ब्लॉग का एंड करते हैं, बहुत देर हो गई है, दोनों भूत जगे हुए हैं, सोते हैं नहीं रात को और जगे रहते हैं, 11 बज जाए 12 बज जाए, इनको नींद पता नहीं क्यों नहीं आती, अपनी नींद तो दिन में पूरी कर लेते हैं और हमारी नींद ऐसी ही रह जाती है, हम ना दिन में सो पाते हैं क्योंकि दिन में ऑफिस का काम करना होता है, रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि इन दोनों के साथ खेलते रहते हैं, ये अलग परेशान करते हैं। और ये मैडम भी अभी सो के 9 बजे उठी है, अब ये हम सबका सोना हराम करेगी। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, आपको कुछ कहना है मोतू, कुछ कहना है आपको, क्या कहना है बताओ, कुछ कहना है तो बताओ। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।